हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए फ्राइड राइस कैसे बनाया जाता है देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 1 तेज़पात, 1 छोटा सा दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 चम्मच के करीब तेल। इसे ढककर रख देती हूँ। देखिए पानी में उबाल आ चुका है। आधा घंटा पहले मैंने चावल को भिंगो कर रख दिया था, उसे अभी इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख दें। इसमें 1 उबाल आने तक इसे पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए उबाल आ चुका है, मेरा भात अच्छी तरह से पक चुका है। मुझे ज़्यादा पकाना नहीं है, 80% के करीब पकाना है। उसी पैन को मैंने गैस पे धीमी आंच पे रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है, उसमें 2 दालचीनी, 4 लौंग, 4 इलायची को धीमी आंच पे पका लिया है। इसमें 10 से 12 काजू दे दिए हैं, इसको भी पका लेना है 2 सेकंड के लिए। 1 तेज़पत्ता डाल रही हूँ। इसके बाद काजू दे करके इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, ज़्यादा काजू को पकाना नहीं है। देखिए वो 2 सेकंड हो चुका है। इसमें अब बीन्स कटा हुआ डाल देती हूँ, इसे अच्छी तरह से मिला लें। मिला के 1 मिनट के लिए इसे भी पकाना है। देखिए ये हाफ पक चुका है। अब इसमें मटर डाल रही हूँ। 1/2 कप के करीब मैंने मटर लिया था, उसको भी डाल दिया। इसे भी अच्छी तरह मिला लेना है, 1/2 सेकंड के लिए इसे भी पकाना है। अब इसमें गाजर दे रही हूँ, गाजर को अच्छी तरह से मिला लें। इसे 1 मिनट के लिए इसे भी पका लें, जिससे इसका कच्चापन चले जाए। अब मैं बेबी कॉर्न दे रही हूँ। 4 मैंने बेबी कॉर्न काट के रखा था। मैं नमक दे रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। सब्जी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है। एक चम्मच के करीब मैंने चीनी दिया है। चीनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी लिया। इसे हिलाते रहिए, नहीं तो नीचे से सब्जी सब पकड़ लेता है।
देखिए सब सब्जी में अच्छे से पक चुका है। अब इसमें चावल डाल दीजिए। देखिए मैंने एक चम्मच के करीब पहले तेल दिया दे दिया था चावल में, इसीलिए मेरा चावल एक दूसरे से चिपका नहीं है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। एक मिनट के लिए ऐसे ही मिलाते रहिएगा। ऊपर से एक चम्मच घी डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है, इससे टेस्ट इसका और भी बढ़ जाएगा। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।